हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप जुड़े हैं मेरे इस मेडिसिन डिटेल्स चैनल पर। आज मैं आपके सामने अगली वीडियो लाया हूं, उसमें आपको 12 क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। देख लेते हैं सब्जेक्ट कौन सा है। फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट है। इसके 15 क्वेश्चन में या फिर 12 क्वेश्चन बताऊंगा। देख लेते हैं हम पहला क्वेश्चन। द फर्स्ट शेड्यूल टू द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 प्रिस्क्राइब। द फर्स्ट शेड्यूल टू द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 प्रिस्क्राइब्स। तो जो इसका आंसर है वो है अथॉरिटेटिव बुक्स ऑफ आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी TIBBS सिस्टम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ड्रग एज पर द लॉ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ड्रग एज पर द लॉ। तो इसका जो आंसर है वो देख लेते हैं। इसका आंसर है एम्प्टी जिलेटिन कैप्सूल, बैंडेजेज एंड इंसेक्ट रिफ्लेंट क्रीम्स। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मिनिमम एरिया ऑफ द शॉप टू ऑब्टेन ए होलसेल लाइसेंस टू सेल ए स्टॉक ड्रग सेल बी। मिनिमम एरिया ऑफ द शॉप टू ऑब्टेन ए होलसेल लाइसेंस टू सेल ए स्टॉक ड्रग सेल बी। तो इसका जो आंसर है 15 square meters। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु एमंग द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ ड्रग टेक्नीशियन एडवाइजरी बोर्ड। हु एमंग द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ ड्रग एडवाइजरी बोर्ड। तो इसका जो आंसर है वो है द डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948 इज टू। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948 इज टू। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है रेगुलेट द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। रेगुलेट द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। द नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। तो देख लेते हैं ईयर कौन सी है, 1985। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं प्लांट ऑफ द स्पीसीज ऑफ पपावर फ्रॉम विच ओपियम और एनी पेंथेरिन एल्कलॉइड कैन बी एक्सट्रैक्टेड इज कॉल्ड। प्लांट ऑफ द स्पीसीज ऑफ पपावर फ्रॉम विच ओपियम और एनी पेंथेरिन एल्कलॉइड कैन बी एक्सट्रैक्टेड इज कॉल्ड। तो इसका जो आंसर है वो है ओपियम पोपी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर। प्रिपेयर्ड ओपियम। तो इसका जो आंसर है इज एन एक्सट्रैक्टेड सुटेबल फॉर स्मोकिंग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु हैज द पावर टू फिक्स द सेलिंग प्राइस ऑफ शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशंस। हु हैज द पावर टू फिक्स द सेलिंग प्राइस ऑफ शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन। इसका जो आंसर है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अंडर द मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस एक्साइज ड्यूटीज एक्ट मैन्युफैक्चर ऑफ एनी ड्यूटेबल गुड्स विदाउट ए वैलिड लाइसेंस इज पनिशेबल विद। तो इसका जो आंसर है
वो है इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ और फाइन ऑफ 2,000 रुपी और बोथ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन है, ए नॉन बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग सेल बी इंस्पेक्टेड बाय द ऑफिसर एट लीस्ट। ए नॉन बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग सेल बी इंस्पेक्टेड बाय द ऑफिसर एट लीस्ट। तो इसका जो आंसर है वो है वंस एवरी मंथ। अब हम 12 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 12 क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैजिक रेमेडी, मैजिक रेमेडी की क्या डेफिनेशन है? तो हम देख लेते हैं, तालिस्मान, मंत्रा, कब्चा और एनी अदर चार्म और एनी सब्सटेंस कॉल्ड टू पोजेस मेराकुलस पावर टू डायग्नोज क्योर मिटिगेट ट्रीट और प्रिवेंट ए डिजीज इन ए ह्यूमन और एनिमल्स। इसका जो आंसर है तालिस्मान, मंत्रा, कवच और एनी अदर चार्म और एनी सब्सटेंस एलिगेटेड टू पोजेज मेराकुलस पावर टू डायग्नोज क्योर मिटिगेट ट्रीट और प्रिवेंट ए डिजीज इन ह्यूमन और ए एनिमल्स। आज के सवाल ख़त्म, अगली वीडियो में मिलते हैं। आप मेरे इस मेडिसिन डिटेल्स चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट एंड लाइक करिए, अपने दोस्तों तक फैलाइए और बताइए कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं, आप भी पढ़ सकते हैं और उन्हें याद करिए, लिख करके नोट्स बनाइए और उन्हें याद करिए। आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक ही महीना टाइम बचा है। मैं भी इन सभी सवालों के जवाब और सवाल दोनों को याद कर रहा हूँ जो कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट हैं और मैं एग्ज़ाम में इन्हें कर सकता हूँ, ये ज़्यादा से ज़्यादा चांस हैं आने के एग्ज़ाम में। ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों।